श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम सरोवर साहब हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए जो देश इजराइल था अपने आप को बहुत बड़ा तोपखान समझता था, लेकिन जो उसमें इजराइल के जो वहाँ के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नेतन्याहू जी हैं, उनके घर पर जाके ड्रोन हमला किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जंग है, इश्क में और जंग में तो सब जायज़ है, आपको पता ही है। तो दो देशों का जो जंग है, देशों का तो है ही नहीं, बहरहाल इज़राइल वर्सेस वो सारे जो ग्रुप हैं जो फिलिस्तीन मुक्ति की बात करते हैं, तो फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीनी के मुक्ति की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं। और जंग जितना टेक्नोलॉजिकल खेल अब हो रहा है, ये लोगों को अनुमान था कि इनके पास, हम्मास या हिज़्बुल्लाह के पास इस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं होंगे, उनका भरम अब टूटा है। लेकिन इनके पास भी वो सारे हथियार हैं कि वो आयरन डोम को और इनके डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए भी लक्ष्य को पहुंच सकती हैं। सो हद तो तब हुई जब आपने ये खबर सुनी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पे ही ड्रोन ने अटैक कर दिया, और तब कर दिया जब तमाम डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे और हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा था। यानी इसराइल के सुरक्षा का जो हेलीकॉप्टर था वो भी पीछा कर रहा था और सारे डिफेंस सिस्टम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी भेद दिया। और दुर्भाग्य सौभाग्य जो कहिए कि नेतन्याहू घर पर नहीं थे, नहीं तो घटना तो घटनी ही थी। लेकिन चिंता का विषय है दुनिया के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, ये चिंता का विषय है। ये जंग बंद हो जानी चाहिए। जो देश अपने आप को सुपर पावर मानता था, जो देश अपने आप को लोहा सबको मनवाता था, जो देश पूरे विश्व में अपने आप को बड़ा होने का डंका पीटता था, इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुपर पावर दुनिया में दो कहलाता था, एक रशिया, एक अमेरिका। अफ़गानिस्तान पे पहले रशिया का कब्ज़ा था, रशिया को खदेड़ा अफ़गानिस्तान के लोगों ने, फिर अमेरिका ने कब्ज़ा किया। और अमेरिका ने जब कब्ज़ा किया तो अमेरिका को भी, आप लोगों ने अपने होश हवास में देखा होगा, कुछ साल पहले अभी अमेरिका को भी बोरिया बिस्तर बांधकर अफ़गानिस्तान से वापस भागना पड़ा। आपने देखा कि यूक्रेन लड़ रहा है, 2 साल अब उसके होने जा रहे हैं और अभी भी वो लड़ ही रहा है। अब ज़माना बदला, कोई सुपर ऊपर नहीं, अब सुपर से भी ऊपर लोग आ गए हैं। अब ये किसी का कहना एक ही चीज़ है कि वो परमाणु मार दीजिएगा, बातें ख़त्म हो जाएगी, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। और परमाणु में भी अब कई देश इस तकनीक को हासिल कर चुके हैं, इसलिए अब परमाणु का भी इस्तेमाल कोई अगर करेगा गलती से, मान लीजिए अमेरिका ने अगर कर दिया, तो अमेरिका किस पर परमाणु गिराएगा? जाहिर सी बात है, एक ही नाम आता है ईरान का, उसी पर गिरा सकता है। अमेरिका ईरान पर गिराएगा तो रूस अमेरिका पे गिरा देगा, तू भी ख़त्म, ठीक है। फिर बच जाएगा बरतानिया, वो गिराएगा रूस पर तो चीन गिरा देगा फ्रांस पे, तो सारा तो दुनिया तो ख़त्म होना ही होना। लेकिन युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है तो अमेरिका क्यों गिराएगा? अमेरिका ही तो लड़ रहा है, इजराइल की क्या औकात लड़ने की? आज हाँ कह रहे हैं अमेरिका लड़ रहा है, पूरी 50,000 उसकी फौज है, उसका सारा जेट विमान है, वो जो थार सुने थार वो उसी ने ला के दिया है, सारे डिफेंस सिस्टम उसके हैं, और पूरे समंदर में उसने अपना बेड़ा ला के खड़ा कर रखा है, जिसका बेड़ा गर्क नहीं हो रहा अभी तक, वो सब तो अमेरिका का है। इसराइल जिस तरह का जंग हिज़्बुल्लाह और हमास लड़ रहा है, अगर अमेरिका साथ न दे तो 5 दिन के अंदर वो घर में घुस के पटक के मारेगा, बम गोली तो छोड़ दीजिए, पटक के ही मार देगा, ऐसा जंग है। लेकिन अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, सारी सेना वहाँ मौजूद है। जैसे इराक पर 42 देश की सेना ने आक्रमण किया था, वैसे ही हमास और हिज़्बुल्लाह पर भी तकरीबन 12 या 13 देशों की सेना, उनके तमाम हथियार, बारूद सब हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद जंग 13वें महीने में प्रवेश कर चुका है। लेकिन आप जो ये सर बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपके बयान चलते हैं, तो उसमें तमाम कमेंट आते हैं, उसमें कमेंट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसमें कमेंट आता है कि इजराइल जो है वो तमाम मुस्लिम देशों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कमेंट करना तो क्या, उठाए मोबाइल हाथ में कुछ भी लिखिए, लेकिन जो होगा वो हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। कोई इसमें कोई गुस्सा होने, नाराज़ होने, या उन कमेंट करने वाले बेचारे शरीफ लोगों को हम कुछ बोलें, ये तो ठीक नहीं है। उनको भी लिखने का अधिकार है, लिखने दीजिए,
और उनका अगर भावनात्मक लगाव इसराइल से है तो हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं, सब स्वतंत्र हैं, जिनका जिससे लगाव है लगाएं। उनका साफ साफ कहना है कि हमास हिजबुल्ला एक उनका कुछ आतंकी संगठन है। अरे उनका कहना है वो एंटी मुस्लिम भी हैं और भारत विरोधी भी हैं। भारत सरकार जो है हमास और हिजबुल्ला को आतंकवादी मानती नहीं है और वो ज़बरदस्ती मानते हैं। एक पत्रकार हमसे यही जूझ रहा था, वो दक्षिण पंथी पत्रकार था, तो उसने कहा कि अच्छा भारत सरकार हिजबुल्ला हमास को नहीं मानती है तो आप नहीं मानते? हमने कहा हाँ नहीं मानते हैं। तो हमने कहा कि अमेरिका आतंकवाद की जननी है, बोला भारत सरकार तो ये भी नहीं मानती है तो आप कैसे मानते हैं? बात समझिए, सबके अपने अपने पक्ष हैं लेकिन जवाब सबको समय देगा। गुलाम सरवर ने ठेका नहीं ले रखा सबके जवाब का, समय की भी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये जंग ख़त्म हो, आपस में प्यार मोहब्बत अमन हो, चैन हो, इंसानियत का कत्ल रुक जाए, बच्चे औरतें जो है यतीम ना हो, बेवा ना हो, समझे, शहर वीरान ना हो, और पॉल्यूशन से दुनिया के वो देश जिनका कोई लेना देना नहीं वो भी ना उसके चपेटे में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, हिजबुल्ला के जो नए संगठन में जो नए मंत्री बने हुए थे उनकी मृत्यु के बाद नेतन्याहू ने साफ साफ ये इशारा किया था कि अब युद्ध बंद हो जाएगा, उसके बाद से ईरान ने उनके घर पर ड्रोन हमला किया। नहीं, ईरान ने नहीं किया है, वो तो हमास ने, हिजबुल्ला ने किया है। आप घुमा फिरा के कहिएगा कि ईरान ने किया है तो फिर रूस भी बोल दीजिए, अगर माने दूध पिलाया तो रूसे का नाम लो कि रूस ने किया है। तब बड़का बॉस का तो नाम लेते नहीं हो, छोटका बॉस का नाम लेते हो। नहीं, लेकिन युद्ध में साफ साफ देखने को मिला कि ईरान इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान एक दुनिया में एशिया में उभरता हुआ देश है, उसने बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है। जैसे उसका ड्रोन सिस्टम अपना जो स्वदेशी है उसका इस्तेमाल खुद रसिया कर रहा है, ये आप लोगों को पता है, और उसने बहुत सारे मिसाइल अपने देश में बनाए, तो कुल मिला के उसका सब मामला फिट है। जो होगा देखा जाएगा, टेंशन न लेने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये गुलाम सरवर साहब थे, जिस तरह से इन्होंने साफ साफ कहा कि जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर मानता था उसी के घर पे जहां वो रहता था वहां पे ड्रोन हमला होता है और जो उसके एजेंसियां हैं वो फेल नज़र आती हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, लेकिन जो गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं साफ साफ कि विश्व में अमन चैन शांति बनाए रखना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? शुक्रिया।